समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान 27 महीने सीतापुर जेल में बंद रहे। उनकी कई ईदें सलाखों के पीछे गुजर गई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये उनकी पहली बकरीद थी जो उन्होंने अपनों और समर्थकों के बीच बिताई। समाजवादी पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजम खान का दर्द भी इस दौरान छलक पड़ा। एक और वो ईडी के एक्शन को लेकर बोले। आजम ने कहा कि हम सब रडार पर हैं। वो चौका ना रहने की नसीहत भी देते हैं। यहां तक हमसे आपका साथ दिया जाएगा, साथ देंगे और उसी दिन तक के लिए दिए जाएंगे। फिरौन आए आप जानते हैं, शराब की दुकान लूटने वाले हैं वजीर रहकर अपनी बीवी और बेटे के साथ गले से 16,900 रुपया लूटने वाले हैं। तो जिन सरकारों का ये स्तर हो जाए कि ये सोच हो जाए, आपको ये सोचना चाहिए कि हम सब राडार पर है, हम सब राडार पर, कोई साफ मतलब फेमी में न रहे। एक लाख सा कारोबार है, कम पीढ़ी वाले उसकी जो करना रही है स्वस्थ रही है, कुछ लाभ रही है, कुछ पास रही है और प्यार बांटते रहिए। एक बार फिर से ईद की मुबारकबाद मनाने वाली होली और वहीं आजम यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने जहां बीजेपी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करके उनकी तारीफों के कसीदे पढ़े, तो आज की बीजेपी हाईकमान पर सवाल भी खड़े कर दिए। आजम खान ने कहा कि आज राजनीतिक मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं और संस्थाएं दम तोड़ चुकी हैं, उनका जायज और नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी तो है बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। गुजरात के दंगों के बाद उन्होंने अपना बैनर अपनी दौरा मनसूख कर दिया था और ये कहा था कि मैं क्या छवि लेकर दुनिया के सामने। आज सरकारी संस्थाएं कम तो हो गई, कानून कांग्रेस ने बनाए लेकिन उन्हें लागू करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो बने हुए कानून जब बात के मुल्क चलाने वाले लोगों को मिले तो उन्होंने उसका इस्तेमाल कर दिया। तो एक बार फिर से उपचुनाव में हार का दर्द भी आजम की जुबान से छलक पड़ता है। इस मौके पर लोकसभा उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार रहे आसिम राजा, गुड्डू मसूद समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं और आजम खान को अपने बीच पाकर उत्साह भी कार्यकर्ताओं में गजब का रहता है। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।